आरोग्य जागृति। क्या आपके आंखों में जलन होती है, आंख से पानी बहता है या आपको धुंधला दिखाई देता है, तो आप जरूर इस एलर्जी के शिकार हुए हो, जो आप हमेशा ये एलर्जी अपने साथ लेकर घूमते हो। जी हाँ, सही देखा आपने, इस एलर्जी के बिना आप एक पल भी रह नहीं सकते। लेकिन ये एलर्जी आपके अनमोल आंखों की रोशनी को छीन सकते हैं। देखिए आरोग्य जागृति के इस भाग में शहर के जाने माने डॉक्टर अमित विश्वे क्या बता रहे हैं। दर्शकों, आरोग्य जागृति में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आरोग्य जागृति का प्रयास रहा है हर एक डिसीज के बारे में स्पेशलिटी डॉक्टर्स के साथ बात करके उसको निरासन करने का काम किया है। आज हम ऐसे आँखों के डॉक्टर के पास, हमने सुना है कि एलर्जी अलग प्रकार की होती है लेकिन आँखों की भी एलर्जी होती है। आइए डॉक्टर अमित विश्व साहब से हम पूरी जानकारी ले रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अमित विश्व है। आज मैं एलर्जी के बारे में आपको कुछ ज़रूरी जानकारी देने वाला हूँ। एलर्जी जो है आजकल बहुत कॉमन हो गई है और उसका मुख्य कारण है कि आजकल लोगों में मोबाइल का इस्तेमाल बहुत बढ़ गया है। लैपटॉप, मोबाइल और जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके वजह से ह्यूमिडिटी जो बढ़ रही है पूरे इन्वायरमेंट में, उसके वजह से आँखों के ऊपर की परत जो रहती है वो ड्राई हो जाती है और उस थोड़ा भी हवा गया या धूल मिट्टी गई तो अंदर फ्रिक्शन होता है लिड मार्जिन और आँखों के ऊपर और बारीक बारीक छोटे से जख्म होके उसमें एलर्जिक रिएक्शन आने शुरू हो जाती है। जनरली ये सब बरसात शुरू होने से पहले या धूप काले का सीज़न शुरू होने से पहले, ये जो सीज़न चेंज होता है उसमें ये ज़्यादा तरीके से होता है। सर, एलर्जी तो होती है लेकिन एलर्जी के लक्षण कैसे होते हैं? एलर्जी जो आँखों में होती है उसके प्रमुख लक्षण होते हैं कि जब पेशेंट हमारे पास आता है तो उसके आँखें लाल होती है, उसके लिड मार्जिन पे सूजन होती है, हमेशा वो कंप्लेंट करता है कि आँख में कुछ तो भी चुभ रहा है, पानी आ रहा है और कुछ पेशेंट ये भी बोलते हैं कि धुंधला दिख रहा है। और जब हम उसमें जांच करते तो पता चलता है कि पेशेंट को आँखों की एलर्जी के साथ सर्दी, जुकाम या अस्थमा होने की शिकायत रहती है और ये एलर्जी उसी के साथ भी जुड़ी हुई रहती है। कभी पेशेंट को सर्दी जुकाम हो गया तो उन पेशेंट में आँखों की एलर्जी होने के चांसेस परसेंटेज बाकी लोगों के हिसाब से ज़्यादा रहते हैं। एलर्जी हो गई है और उसका वक्त पे इलाज नहीं किया है तो आँखों पे कौन सा ये हो सकता है, उस पर उपचार कैसा किया जाता है? एलर्जी होने के बाद अगर पेशेंट ने टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं लिया तो उसके आँखों को जो रोशनी है वो कम हो जाती है क्योंकि आँखों के जो कॉर्निया नाम का एक पटल रहता है वो धीरे धीरे सफ़ेद होने लगता है। दूसरी बात, उसके जो आँखों के लिड्स रहते हैं उसमें सूजन आ जाती है और ये सूजन पहले एक ही आँख में रहती है, फिर दूसरे आँख को फैल जाती है, फिर अपने लिम्फ नोड्स रहते हैं आँखों में, अपने शरीर में, उसमें सूजन आने लगता है और ऐसा अगर हुआ तो उसकी क्वालिटी ऑफ विजन तो हैम्पर होती है, उसी के साथ क्वालिटी ऑफ लाइफ भी हैम्पर होती है और पेशेंट इरिटेबल और चिड़चिड़ा हो जाता है। एलर्जी वायरल है या फिर उसमें अगर समझो पेशेंट ने इसमें प्रिकॉशन क्या लेना चाहिए एलर्जी हो ही ना? एलर्जी सिर्फ वायरल नहीं होती है, वायरल एक कारण है उसमें का। जिस किसी को वायरल इन्फेक्शन होता है उनको एलर्जी होने के चांसेस आँखों के ज़्यादा होते हैं लेकिन बाकी की एलर्जी जो है वो धूल की रहती है, धूल मिट्टी की रहती है, दवा की रहती है या कुछ पेशेंट में आजकल जो ज़्यादातर देखने को मिल रहा है कि मोबाइल रेज और लैपटॉप के रेज के वजह से मेरे पास जो पेशेंट आ रहे हैं 100 में से 50 पेशेंट उसी से शिकार होते हैं क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली उसके ऊपर रहते हैं तो उसके रेस की वजह से ऊपर की परत पतली हो जा रही है और उसके वजह से जो प्रोटेक्टिव लेयर रहता है जिससे यूवी ब्लॉक होता है वो आँखों में पूरी तरह से रेस जाके वो एलर्जी होने के चांसेस काफ़ी बढ़ गए हैं। तो एलर्जी सिर्फ वायरल नहीं होती है, वायरल एक कारण है, दूसरा अपने जो कि रोज़मर्रा के मोबाइल वगैरह जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनको भी आप किस हद तक यूज़ करते हैं उसके ऊपर भी रहता है और आपका प्रोफेशन क्या है। जैसे कि खेती में काम करने वाले लोगों को धूल मिट्टी से ज़्यादा होती है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स वगैरह को लैपटॉप की वजह से होती है और अननेसेसरी मोबाइल पे जो लोग वीडियोज़ या जो भी देखते हैं चैटिंग करते हैं उसको मोबाइल रेज की वजह से होता है। सिर्फ 5% लोग रहते हैं जिनको एक्चुअल में आँखों की एलर्जी बिना
मतलब इन इन बॉर्न रहती है या उनके शरीर के कुछ डिफिशेंसी से होती है। अभी एडवांस टेक्नोलॉजी और एडवांसमेंट के वजह से एलर्जी के लिए काफ़ी अच्छी ट्रीटमेंट उपलब्ध हुई है। उसके लिए माइल्ड स्टेरॉइड देना ज़रूरी होता है पहले फेज में, उसके बाद एंटी हिस्टामिनिक्स बोल के ड्रॉप्स आए जिसके 3 वीक्स या 5 वीक्स के कोर्स के बाद ये एलर्जी मोर देन 90% कम हो जाती है। और अगर आप मोबाइल यूज़र है या आपके आंखें ड्राई है तो आप लुब्रिकेटिंग ड्रॉप 3 महीने से लेके 1 साल तक डाल सकते हैं। कुछ पेशेंट को वो ज़िंदगी भर भी लुब्रिकेटिंग ड्रॉप डालना पड़ने की ज़रूरत हो सकती है, लेकिन आप अच्छे गाइडेंस के साथ डालेंगे तो उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। लेकिन जो स्टेरॉइड और वो एंटी हिस्टामिनिक्स है वो आप खुद मत डालिए, डॉक्टर के एडवाइस से लीजिए, क्योंकि उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी रहते हैं। अगर ये प्रॉपरली आप करेंगे तो आपकी एलर्जी हमेशा के लिए तो वो एलर्जी कम नहीं होती है, लेकिन कंट्रोल में रहती है और आपका डेली रूटीन और डेली आपकी आँखों की हेल्थ हैम्पर नहीं होती और आप अच्छी ज़िंदगी गुजर बसर कर सकते हैं। सर, एज अ ऑप्टोमोलॉजिस्ट आप आँखों के लिए दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप कम से कम मोबाइल का और लैपटॉप का यूज़ कीजिए, जहाँ ज़रूरी है वही कीजिए। अगर आप बाहर जा रहे हैं तो आप प्रोटेक्टिव ग्लासेस लगाइए, और अगर आपको कंपलसरी है लैपटॉप मोबाइल पे तो हर 10 मिनट के बाद आप थोड़ा ब्रेक लीजिए और 10 सेकंड के लिए थोड़ा सा दूर देख के आँखों में ब्लिंक कीजिए, ताकि वो परत जो ड्राई होती जाती है आँखों के ऊपर की वो फिर से नॉर्मली नेचुरली तैयार हो जाए। दूसरी बात, आँखों को आप दिन में से 4-5 बार ठंडे पानी से उसको धोइए, जिसके वजह से मसल रिलैक्स हो जाते हैं। और अगर आपको सही में एलर्जी हुई है, लगता है कि ये सब करके भी आपका ठीक नहीं हो रहा है, तो आप प्रॉपरली आपके नज़दीक के ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को दिखाइए और उसके ओपिनियन और ट्रीटमेंट लीजिए। देखा दर्शकों, डॉक्टर अमित विशेष साहब ने आँखों के बारे में कैसी प्रिकॉशन लेना चाहिए, उपचार कैसा लेना करना चाहिए, एलर्जी क्या होती है, एलर्जी के बारे में जो उपचार लेने की पद्धत बताए, क्योंकि देखा गया है कि आँखों आँख ही अपनी सब कुछ है, आँखों से ही दुनिया देखा जाता है, तो यही इसकी आँखों की कीमत जो है तो डॉक्टर ही जान सकते हैं, और उसके बारे में उन्होंने बखूबी अपने को समझाया है।